हेलो बच्चों क्या हाल चाल है शुरू करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर मई एंड जून 24 एग्जाम्स अच्छी बात यह है ये सारी अमेंडमेंट्स नवंबर और दिसंबर 24 के लिए भी वैलिड है और आगे जो एग्जाम्स आएंगे नवंबर 24 में उसमें ज़्यादा चेंजेस आने की चांसेस कम है चलिए सो पहले एक बार मई जून की तैयारी कर लें और ये सारी अमेंडमेंट्स मैंने चैप्टर वाइज डिस्कस करी है और एक सवा घंटे के अंदर लगभग लगभग ये वीडियो बनना चाहिए और उसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करिए आगे बढ़िए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई विच इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी सेक्शन सेवन के अंदर सप्लाई डिफाइंड है क्या सप्लाई होती है क्या नहीं होती है उसी में आपको याद होगा सेक्शन सेवन सबसेक्शन टू साथ में शेड्यूल थ्री वो केसेस हैं नाइ द सप्लाई ऑफ गुड्स नाइद टी सप्लाई ऑफ सर्विसेज आई से शेड्यूल टू वाले आइटम्स को शेड्यूल uh, थ्री वाले आइटम्स को नो सप्लाई के केसेस यस तो शेड्यूल थ्री जो है वो नो सप्लाई के केसेस है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट इज सप्लाई एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग यही बात पढ़ी थी एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स तो माना गया है लेकिन तीन ही एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी लगता है लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग अदर एक्शनेबल क्लेम्स वर आउटसाइड अमेंडमेंट आ चुकी है एक अक्टूबर दो से ओल्ड uh, में जो ओल्ड लॉ था एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी आर आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई यानी कि उसका मतलब यह हुआ था बैटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी आर ट्रीटेड एज सप्लाई अब जो नई अमेंडिड एंट्री है उसमें लिखा है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि सारे एक्टर्नबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनल क्लेम्स नो सप्लाई है यानी कि स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम को सप्लाई माना गया है तो अब लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग के अलावा या ये बोलूँ लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग वर्ड नहीं डाला अब डाला स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम्स अप्लाई होते हैं स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम्स सेक्शन टू क्लॉज वन जीरो टू ए ऑफ द सी जी एस टी एक्ट में डिफाइंड है उसमें बेटा बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी तो रिटेन है तीन नए एक्शनबल क्लेम्स और डाले हैं तीन नए एक्शनबल क्लेम्स डाले हैं कैसीनोस पे जी एस टी आ गया है हॉर्स रेसिंग उस पे जीएसटी आ गया है और ऑनलाइन मनी गेम्स इन पे भी जीएसटी आ गया है। ये छे के गेम्स चार्जेबल टू जीएसटी जी के टी छबल गेम्स चार्जेबल टू जीएसटी ये ऑनलाइन मनी गेमिंग्स वो ही आपके जो बिन्जो और पोकरबाजी और ड्रीम इलेवन टाइप के जो गेम्स होते हैं कैसीनोज आप जानते ही हैं हॉर्स रेसेस घोड़ी की रेस अच्छा ऑनलाइन मनी गेमिंग्स का क्या मतलब है इन विच अ प्लेयर पेज और डिपॉजिट मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट वर्चुअल डिजिटल एसेट होती है क्रिप्टो करेंसीज वो डाल वो भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्ट कर दी इन द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ही रहती है वैसे वो विनिंग मनी और मनी इज़ वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट जितने भी हो सकता है मनी मिले या मनी से इक्वैलेंट चीज़ मिले या वर्चुअल डिजिटल एसेट मिले इन एंड इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम कॉम्पिटिशन और एनी अदर एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस वेदर आर नॉट इट्स आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्किल चांस और बोथ आप ये कहो जी बहुत स्किल का काम है नहीं भाई वो ऑनलाइन मनी गेमिंग में ही आएगा बेटर सेम इज परमिसेबल और अदरवाइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग चाहे वो परमिसेबल हो या ना हो हमें मतलब नहीं है ठीक है ना जी तो ये अच्छा ये तो हो गया जी हमारा आ, मतलब ऑनलाइन गेमिंग का और सब का तो ये सारी मीनिंग्स आप पढ़ लीजिए वर्चुअल ड्रेजेट पढ़ने की जरूरत नहीं है तो बेसिकली क्या अमेनमेंट है अभी तक शेड्यूल थ्री के अंदर आ, तीन एक्सटर्नल क्लेम को छोड़ दिया जाए लॉटरी अब एक्सटर्नल क्लेम्स को छोड़ दिया जाए उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा यानी कि एक्सटर्नल क्लेम्स से सप्लाई माना जाएगा बैटिंग कैसीनो गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग उसके बाद दूसरी बात बेटा सप्लायर की डेफिनेशन जो टू क्लॉस वन जीरो फाइव में है उसमें अब जो ये सप्लायर्स ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स होंगे उनको भी सप्लायर माना जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी तो लगानी है उन लोगों के ऊपर तो ये लिख दिया जी सप्लायर ऑफ स्पेशल क्लेम्स को भी हम सप्लायर मानेंगे पर्सन वो ओन्स ऑपरेट्स मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो ये चीजें प्रोवाइड होती हैं उसका जो ओनर है जो उसको ऑपरेट करता है जो उसको मैनेज करता है वही सप्लायर माना जाएगा और उसके ऊपर वही जो प्रोविजन लगेंगे जो बाकी सप्लायर्स पे लगते हैं बिल्कुल और एफ लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तो यहाँ पर वो लाइबल हो जाएंगे नाइन वन के अंतर्गत सप्लायर्स ऑफ ऑल दिस एंड 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 ऑनलाइन हॉर्स रेसेस विल बी टू पे जीएसटी अंडर कैसी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की आपने पढ़ा होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन ट्वेल्व में है एक्सटेंबल क्लेम्स को भी क्या माना गया है गुड्स तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर सेक्शन ट्वेल्व के हिसाब से होगा ये छे के छह एक्सटेंडल क्लेम्स और सेक्शन ट्वेल्व में आपने पढ़ा था नोटिफिकेशन सिक्सटी सिक्स टू थाउजेंड सेवेंटीन जिसने कहा था डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं देखना लेकिन नोटिफिकेशन सिक्स टू थाउजेंड में लागू नहीं रहेगी इसका क्या मतलब हुआ यानी कि एक्शनेबल क्लेम्स का टाइम ऑफ सप्लाई ओरिजिनल बेसिस पे निकाला जाएगा सेक्शन ट्वेल्व में सेक्शन ट्वेल्व में टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या थी अगर आपने इन्वॉयस इशू कर दिया है अप टू द डेट ऑफ रिमूवल या डिलीवरी समझो तो हम लेते हैं डेट ऑफ इन्स अगर आपने नहीं इशू किया तो डेट ऑफ डिलीवरी या रिमूवल को ही हम ले लेते थे, थे अब उसमें पेमेंट की डेट भी देखी जाएगी तो यस, तो अगर आपने इन्वॉइस इश्यू कर दिया विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफिक एक्शन में के सप्लायर को कह दें इसको ऐसे भी समझ लें ये लो स्पेसिफाइड Specified actionable claims suppliers. Invoice issued within time limit under section thirty one, not issued within time limit. अंडर सेक्शन थर्टी वन अगर आपने इशू कर दिया दैट इज वो क्या होता है मूवमेंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑन एनवॉल्व वो टाइम लिमिट होती है तो डेट ऑफ इन्वॉइस और यहां लिखते थे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इन वॉइस अंडर सेक्शन थर्टी वन ऐसे ही कुछ था अंडर सेक्शन थर्टी वन तो हमने क्या पढ़ा था अभी और टाइम लिमिट क्या बताई थी मूवमेंट इन्वॉल्व है तो अप टू द डेट ऑफ रिमूवल और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है अप टू डेट ऑफ डिलीवरी है ना अब इस केस में क्या होगा यहां पर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर कर दिया गया और यहां पर भी और डेट ऑफ ऑफ पेमेंट विच तो अगर कोई स्पेसिफाई एक्शनेबल क्लेम सप्लायर है उसने टाइम लिमिट के अंदर अंदर इनवॉइस इशू इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट टाइम लिमिट में इशू नहीं किया तो लास्ट डेट ऑफ इशू इन्वॉइस जो था और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एव रिजल्ट किया और वो मूवमेंट इन्वॉल्व है टू द डेट ऑफ रिमूवल नो मूवमेंट इन्वॉल्व डेट ऑफ डिलीवरी अच्छा ये नोटिफिकेशन 50 हाँ दिस इज नोटिफिकेशन नंबर 50 2023 ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पर नोटिफिकेशन 66, लागू नहीं देखा जाएगा वैसे याद नोटिफिकेशन नंबर 66, वो पे भी लागू नहीं होती है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन पे भी लागू नहीं होती है तो अब मैं ये बोलू दो जगह टू थाउजेंड सेवनटीन लागू नहीं होगी कॉम्पोजिशन वाले और एक्सनेबल क्लेम वाले ठीक है ना बाकी सब लोग ड्यू बेसिस लेकिन अगर हम कॉम्पोजिशन सप्लायर्स बोले और स्पेसिफिक एक्शन केम सप्लायर बोले ड्यू और रिसिप्ट विच अर्ली ठीक है चलो नेक्स्ट बेटा सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी के मजे लेते हैं पॉपकॉर्न पेप्सी भी साथ में लेते हैं तो अगर आपने पॉपकॉर्न और पेप्सी ली है उसको क्या मूवी हॉल के साथ जोड़ के देखा जाएगा तो मूवी हॉल वाला जीएसटी लगेगा तो सप्लाई ऑफ सिनेमा सर्विस मानी जाएगी या वो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट माना जाएगा तो बेटा ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है देखिए सप्लाई ऑफ फूड और बेबरेज सिनेमा हॉल इज टेक्सीबल एज रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज फूड एंड बेवरेज आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ अ सर्विस एंड इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है यानी कि वो अलग से लिया गया है लेकिन अगर कंपोजिट कर दिया जाए बंडल कर दिया जाए मूवी के साथ पॉपकॉर्न फ्री मूवी के साथ ये सब चीज फ्री तो वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी और मेन सप्लाई तो सिनेमा की है तो वही प्रिंसिपल सप्लाई मान लिया जाएगा तो सीधी सी बात है अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे आप पॉपकॉर्न ले रहे हो मूवी की टिकट अलग ये अलग लिया है तो ये रेस्टोरेंट सर्विस वाला जीएसटी लगेगा इसमें लेकिन अगर वो कंपोजिट बंडल किया गया रेस्टोरेंट के साथ खाना पीना तो फिर वो सिनेमा सर्विस माना जाएगा पूरी सप्लाई को क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा मानी जाएगी नेक्स्ट तीसरी जो अमेंडमेंट है सप्लाई के चैप्टर में एक सर्कुलर है ये कह लीजिए कि अगर होल्डिंग कंपनी शेयर्स होल्ड करती है सब्सिडी के तो क्या वो एक सर्विस दे रही है अरे बेटा होल्डिंग शेयर्स इन इट सेल्फ इज नॉट अ सर्विस सर्विस में तो कुछ चीजें होनी चाहिए ना खाली होल्ड ही तो कर रहे हैं और फर्दर शेयर्स आर नॉट टीटेड एज अ सर्विस तो क्या लिखा है वेदर होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी ट्रीटेड एज सप्लाई सर्विस एंड सेम विल अट्रैक्ट जीएसटी

तो खाली एस एस सी कोड लिखने से वो इन इट सेल्फ सर्विस नहीं हो जाती देखो सर्विस कोड में क्या लिखा है सर्विस इज बाय होल्डिंग कंपनीज हाँ सर्विस बाय होल्डिंग कंपनी तो सर्विस कहां दे शेयर तो होल्ड कर रहे हैं दैट इज नॉट अ सर्विस हाँ कोई कंसल्टेंसी दे समझ रहे हो कोई कोई आप उनको कोई इमोल प्रॉपर्टी किराए पे दे अपनी सब्सिडी को दैट इज अ सर्विस समझ रहे जैसे प्यार इन इट सेल्फ इज नॉट ट्रीटेड एज अ सर्विस लेकिन उसने कुछ लेके आओ अपने चहते के लिए वो कुछ आपने उसके लिए काम किया समझ गए मेरी बात ठीक है अनलेस कोई टेंजिबल चीज इन टेंजिबल तो ना बोले अनलेस कोई कॉन्क्रीट एक्टिविटी हो तो खाली होल्डिंग द शेयर इन इट सेल्फ इज नॉट सर्विस इवन दो सर्विस अकाउंटिंग कोड उसका है। ठीक, है ठीक है चलो जी तीन अमेंडमेंट खत्म बिल्कुल खत्म बेटा पहली अमेंडमेंट कि पहले तो तीन एक्शनेबल क्लेम चार्जेबल टू जीएसटी थे लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग अब तीन और डाल दिए कैसीनो हॉर्सिंग हॉर्स रेसेस एंड ऑनलाइन मनी के तीनों में याद रखना बेटा सप्लायर भी इनके जीएसटी के लिए लायबल हो जाएंगे और रिसिप्ट बेसिस भी लाइबिलिटी क्रिएट करेगा तो इट इज लाइक ड्यू और रिसिप्ट अर्लियर रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना पीना चाहते हो और मूवी देखते हो साथ में मूवी देखने जाते हो खाना पीना खाते हो बल्कि ऐसे कह लो उस केस में बेटा अलग अलग है तो रेस्टोरेंट सर्विस खाने पीने को मूवी को सिनेमा लेकिन अगर बंडल कर दिया गया है तो फिर वो पूरा कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा माना जाएगा और बेटा होल्डिंग अगर शेयर्स होल्ड कर रही है सब्सिडी के तो ये नॉट ट्रीटेड एज अ इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई बिकॉज इन इट सेल्फ इट इज नॉट अ सर्विस नेक्स्ट चार्ज ऑफ जी एस टी गाइज चार्ज ऑफ जी एस टी में नाइन थ्री आपको याद करना है आर सी एम आर सी एम के अंदर नॉन इंप्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज देता है अपने बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को तो बॉडी कोऑपरेट या कंपनी पे जीएसटी की लेबिलिटी आती है लेकिन बेटा वो डायरेक्टर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर वाली सर्विसेज लेकिन वो मान लीजिए पर्सनल कैपेसिटी में एक सिंगर भी है पर्सनल कैपेसिटी में डांसर भी है और कंपनी का एनुअल डे है और प्रोफेशनल है वो रजिस्टर्ड बंदा भी है इसीलिए काम भी करता है तो बेटा उस पर वो जी एस टी एफ सी एम पे लगाएगा क्योंकि वहाँ पर वो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर के ऐसे ऐसे सर्विसेज नहीं दे रहा तो वेनएवर non-employed director is giving services in his personal capacity in that case obviously that will not be taxable under rcm but that is a taxable service under fcm and subject to the other condition that the person who is supplying that dancing or singing is a registered person tax on service supplied by director uh, of, of a company or body corporate to a set company or body corporate is payable by the company or body corporate under rcm method इट इज एब क्लेड सर्विस सप्लाई बाई डायरेक्टर ऑफ ऑफ़ बॉडी कॉपरेट टू कंपनी एक अमेंडमेंट आई है जी नोटिफाइड सर्विस ऑन आर सी एम और कौन कौन सी सर नोटिफाइड है बेट इक्कीस सर्विस थी उसके अंदर गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको याद है हाँ सर याद है गवर्नमेंट की दो सर्विसेज है आर सी एम में एक है गवर्नमेंट की सर्विसेज बिजनेस uh, एंटिटी को दी जाए एक्सेप्ट सर याद आ रहा है एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल ऑन पोर्ट और एयरपोर्ट एंड पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज बस एक क्लैरिफिकेशन के रूप में मैं ये नहीं बोल, एक चीज़ डाली है कि भाई जो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ अगर रेलवे मिनिस्ट्री भी कोई सर्विसेज देती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जिसको हम इंडियन रेलवेज कहते हैं उस पर ऑब्वियसली एफ लगेगा वो तो वैसे हम यहां डाल देते थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोई सर्विसेज दे उस पर भी एफ चलेगा तो दोबारा से रिपीट करिए गवर्नमेंट की सर्विसेज आर पे हैं अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए एक्सेप्ट थ्री सर्विसेज कौन सी वाली जहां पर एफ लगेगा ये वाली एफ वाली है बेटा एक्सेप्ट दिस इसमें तीन वाली तो ये है एफ और चौथी वाली पे रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी पे आर सी एम है अलग वाला वो अदर एंट्री में है तो दोबारा से पढ़िए दोबारा से अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है बिजनेस एंटिटी को तो आर सी पोस्टल डिपार्टमेंट एफ सी एम सर्विस टू एयरक्राफ्ट और वेसल ऑन पोर्ट और एयरपोर्ट एफ सी एम ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर एफ सी एम हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंडियन रेलवे की इसी पॉइंट में डाल देते थे लेकिन अब गवर्नमेंट ने अलग से लिख दिया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इंडियन रेलवेज की सर्विसेज भी एफ पे रहेंगी हम पहले इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेते थे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में लेकिन अब क्लैरिफिकेशन के रूप में यहाँ डाल दिया है ठीक है ना अच्छा रेंटिंग ऑन प्रॉपर्टी में सचिन सर क्या है बेटा उस पर आर है लेकिन उसका आर अलग तरीके का है सर अलग तरीके का है अरे वहाँ पर आर जब लगता है रेंटिंग ऑन प्रॉपर्टी में जब जब वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी को दी जाए नॉर्मल गवर्नमेंट की सर्विसेज वहां था बिजनेस एंटिटी यहां पर वर्ड क्या हुआ है रजिस्टर्ड एंटिटी यहां पर भी एक्सक्लूड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इंडियन रेलवे पे एफ ही रहेगा वो पहले हम उसको मान लेते थे क्लैरिटी क्लियर रूप में गवर्नमेंट ने डाला है तो नेट सेल में क्या हुआ गवर्नमेंट की सर्विसेस अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की है एफसीएम ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर्स की है एफसीएम एयरक्राफ्ट वैसोलम पोर्ट एयरपोर्ट एफ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की या इंडियन रेलवेज की एफ बाकी अगर रेंटिंग की सर्विसेज है आरसीएम है अगर रजिस्टर्ड को दी जाए और अदर सर्विसेज आरसीएम है अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए क्लियर अच्छा तीसरी अमेंडमेंट जो आपके आरसीएम में है आपने पढ़ा होगा वो एग्रीगेटर वाली सर्विसेज कौन सी सर्विस सचिन सर एग्रीगेटर मॉडल एग्रीगेट वो नाइन फाइव में है जिसमें आपने क्या पढ़ा था ओला उबर वाला मॉडल ओला उबर वाला एग्रीगेटर मॉडल दूसरा अर्बन कंपनी वाला हाउस कीपिंग वाला मॉडल अर्बन कंपनी तीसरा आपने इसमें ओयो और होटल बुकिंग वाला मॉडल स्विगी जोमैटो वाला मॉडल स्विगी जोमैटो वाला मॉडल ये चार आपकी जो सर्विसेज हैं ये इसकी आपकी किस्में है नाइन uh, फाइव में जहाँ पर ई सी लाइबल होता है ठीक है अंदर की उसमें बदलाव नहीं है बदलाव उसमें छोटा सा ये है ये जो ओला उबर वाला मॉडल है इसमें पहले कैब्स uh, भी आ जाती थी और बसेस भी आ जाती थी लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है जो ओमनी बस का एग्रीगेटर मॉडल जैसे रेड बस वाला कॉन्सेप्ट उनको इस नाइन फाइव के अंदर से हटाकर इन चार में से हटा कर, एक नया आर uh, डाला गया है So, क्या लिखा है न्यू आर सी एम पहले पहले पुराने में क्या चेंज किया जो हम अभी तक पढ़ते थे क्या पढ़ते थे सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांस सर्विसेज बाय बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर रेडियो टैक्सी मोटर कैब मोटर मैक्सी कैब मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल यही वर्ड होती थी अब यहां पर वर्ड डाल दिया बेटा मेरे एक्सेप्ट ओमनी बस तो ओमनी बस की अगर कोई एग्रीगेटर मॉडल है तो उसमें क्या कर दिया अलग से कर दिया एंट्री बना दी एक और सो ओला उबर कैब्स वाली अलग कर दिया और ओमनी बस वाला मॉडल ओमनी बस वाला जो एग्रीगेट मॉडल उसके अलग सर्विस बना दी आर जो पहले उसी में इंक्लूडेड था जैसे पहले एक कमरा आपके एक, एक, एक एक्स्ट्रा कमरा घर में बना हुआ था उसको डिमोलिश करके अब आपने पूरा एक नया फ्लोर डाल दिया छत पे उसी तरीके से बेटा मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा है आ, न्यू आर सी एम सर्विस बाईर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस ओमनी बस पे आरसीएम तो उसी में इंक्लूड कर लेते नहीं फर्क क्या किया वे आर पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू इज कंपनी तो यानी कि जो उसका सप्लायर ओमनी बस का वो अगर कंपनी है तो उस केस के अंदर बेटा आर सी एम लागू नहीं होगा तो सर ऐसे समझा दो थोड़ा सा लिख कर देखो बेटा जैसे ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विस है थ्रू ई मॉडल इसमें अदर देन ओमनी बस अलग कर दो ओमनी बस इज अ बस ओमनी बस एंड थ्रू ओमनी बस इसमें तो बेटा आरसीए मॉडल ही है इ ऑफ सप्लायर सप्लायर छोटा है बड़ा है हमें मतलब नहीं है आर सी एम मॉडल है सप्लायर चाहे कोई भी हो लेकिन इसमें अगर सप्लायर कंपनी है सप्लायर ऑफ बस जिसने अपनी बसें रेड बस ऐप के थ्रू चला रहा है इस कंपनी तो आर सी एम मॉडल नहीं लगेगा मुन्ना सप्लायर अदर है तो आर सी एम मॉडल लगेगा तो फिर यहाँ पर एफ सी एम लगे बस कंपनी पे कंपनी है ना बड़ी बड़ी कंपनी है भाई जनरली क्या था ओला उबर में जो भी अपनी सर्विस देते हैं वो ड्राइवर्स होते हैं जनरली जिनके पास अपनी एक गाड़ी वाड़ी है कोई कॉर्पोरेट हाउसेस तो जनरली उसमें होते नहीं है ओला उबर के माध्यम से कोई भी बंदा दे रहा है नाइनटी नाइन परसेंट ठीक है क्योंकि वो बेचारा अपने आप ही मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है लेकिन थ्रू ओमनी बस तो वहां पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं जो रेड बस ऐप के थ्रू अपनी बसें चलाते हैं तो जब वो कंपनी है तो वो बड़े खुद ही हैं खुद मैनेज कर लेंगे रिस्पॉसिबिलिटी तो अपनी बस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रेड बस ऐप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी लेकिन सप्लायर अदर है इंडिविजुअल है पार्टनरशिप फॉर्म है तो फिर आर में लगेगा ई सी ओ पे दैट इज अ रेड बस ऐप क्लियर है बात ठीक है तो अब आर की भी कॉन्सेप्ट पूरा अरे बस सर, क्या फटाफट हो गया सबसे पहली चीज चीज एक सर्कुलर आया वो तो क्लैरिटी पहले भी थी अगर डायरेक्टर की हैसियत से वो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर सर्विसेज ना दे तो एफ ही रहेगा आर सी ही लगेगा दूसरा ये पता था ये बात भी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सर्विसेज पे एफ ही रहेगा वो क्लैरिटी पहले हम इसमें डाल देते ट्रांसपोर्टेशन है तो हम समझते थे कि वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही है बट स्टिल अलग से लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और तीसरी बात बेटा मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विस थी आर उसमें ओमनी बस हटा दिया गया है और ओमनी बस अगर कंपनी सप्लायर है थ्रू द रेड बस ऐप एग्जाम्पल दे रहा हूं तो एफ सी एम अदरवाइज आर सी एम आगे चलिए नेक्स्ट आता है जी प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई में यह बता दिया गया है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई उससे पता चलता है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट क्लियर है बात इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है वो ये है कि दूसरी एक बंदा जो अनरजिस्टर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड यानी कि आपने सप्लाई किसको करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है खुद आता है और खुद खरीद के सामान को दूसरी स्टेट ले जाता है जो अनरजिस्टर्ड है जैसे दिल्ली में आपकी खाड़ी वॉली में दुकान है यूपी से एक अंकल आए और वो अनरजिस्टर्ड है खुद सामान खरीदा और फिर वो अपने आप उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर ले गए अब बेटा इस केस में उसको स्टेट माने या इंटर स्टेट माने देखो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स परचेस्ड ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर देखो जी सीधी सी बात है बड़ा क्लैरिटी दी है लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड फॉर द सेट सप्लाई सप्लायर उसमें लोकेशन क्या लिखता है अगर सप्लायर ने लोकेशन दिल्ली लिखी दिल्ली के खाली हो वाले वाले, वाले दुकानती यूपी से आए लेकिन लोकेशन हमने उस पर्सन की दिल्ली लिखी तो ये बेटा इंट्रा स्टेट ही माना जाएगा दिल्ली की सप्लाई माना जाएगा लेकिन लोकेशन हाँ हमने उसकी मेंशन ही नहीं करी जो रजिस्टर्ड पर्सन आया जो अनरजिस्टर्ड पर्सन आया माल खरीदने उसकी लोकेशन ही नहीं मेंशन करी हमने इन वॉयस में फिर सप्लायर की लोकेशन ही मान ली जाएगी तो सप्लायर की लोकेशन तो दिल्ली है ही तो इंट्रा माना जाएगा तो यानी कि दो केस में तो वो इंट्रा मानी जाएगी एक आपने दिल्ली ही लिखा उसका एड्रेस क्या लिखा है ना नॉट वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड फॉर द सेट सर उसका पूरा एड्रेस लिखना गली नंबर दिस, दिस दिस नहीं खाली आप उसकी स्टेट मेंशन कर दो वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन खाली वॉली की दुकान में खरीदने आया यूपी से आया अगर आपने उसकी स्टेट मेंशन करी है दिल्ली तो वो लोकल सेल मानी जाएगी कुछ नहीं मेंशन किया लोकल सेल मानी जाएगी अगर आपने उसके एड्रेस में यूपी लिखा तो फिर वो इंटर स्टेट मानी जाएगी सो रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट इन द इनवॉइस शैल बी बीम टू बी रिकॉर्डिंग ऑफ द एड्रेस ठीक है दोबारा से देखो समझो इस बात को एक स्टेट से कोई बंदा माल लेने आया अच्छा वो दिल्ली का ही है पर्सन फिर तो बात ही खत्म हो गई पर्सन दिल्ली का ही है फिर तो बात ही खत्म हो गई फिर तो लोकल सेल है ही वो बाहर दूसरी स्टेट से लेने आया है माल और उसने अपना एड्रेस मेंशन किया है दिल्ली एड्रेस का मतलब खाली स्टेट बताते तो लोकल खाली बोले की दुकान है तो दिल्ली में अच्छा वो कुछ नहीं बताता तो इस केस में जो सप्लायर की लोकेशन है वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा फिर भी लोकल वो कहते हैं मेरा एड्रेस है लखनऊ तो आप खाली यूपी लिख दो एज अ सप्लायर खारी बोली की दुकान वाला तो इसको हम इंटरसेट सप्लाई मानेंगे। तो एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं है ओनली मेंशनिंग द स्टेट ऑफ द पर्सन इन द विल बी सफ़िशिएंट एविडेंस। ठीक है चलिए नेक्स्ट बेटा एडवरटाइजिंग सेक्टर में कंपनी हूं मैंने राजू ठेकेदार को बोला है कि भाई ये फलाना फलाना जगह बोर्ड लगाने हैं अब वो राजू ठेकेदार क्या करता है बेटा किराए पे यस yes, जगह लेगा और फिर मेरी कंपनी का एडवर्टाइजिंग करेगा तो प्लेस और सप्लाई क्या मानी जाएगी एडवर्टाइजिंग सेक्टर में पढ़िए ज़रा सो एडवर्टाइजिंग कंपनीज ऑफन इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग स्पेस ऑन होर्डिंग्स बिल बोर्ड्स इलेक्टेड एंड माउंटेड ऑन द बिल्डिंग लैंड इन डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स तो राजू कॉन्ट्रैक्टर कुछ स्पेस लेगा ए जगह से कुछ बी जगह से तो गवर्नमेंट कहती है ये जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं जो वो बंदा आ, क्या कहते हैं दे रहा है उसमें प्लेस और सप्लाई क्या मानी जाएगी पर ये दोबारा से एडवर्टाइजिंग कंपनीज आर ऑफन इन्वाल्व इन प्रोक्योरिंग स्पेस ऑन होर्डिंग बिलबोर्स इरेक्टेड एंड माउंटेड ऑन बिल्डिंग डिफरेंट स्टेट फॉर वेरियस सप्लायर्स वेंडर्स फॉर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वो राजू ठेकेदार की बात हो रही है देयर मे बी वेराइटी ऑफ अरेंजमेंट्स बिटवीन द एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड द वेंडर एज बिलो तो एडवराइजिंग कंपनी मान लो रिलायंस है उन्होंने हायर किया है राजू ठेकेदार को राजू ठेकेदार को ठीक है ना अब देखना इशू नंबर वन देर मे बी अ केस वेयर देर सप्लाई सेल ऑफ स्पेस और सेल ऑफ राइट्स टू यूज द स्पेस ऑन द होर्डिंग बिलोंगिंग टू द वेंडर टू द क्लाइंट भाई ये स्पेस हमारा अपना ही है अच्छा ये स्पेस हमारा अपना है राजू कॉन्ट्रैक्टर का उसने अरे उसको तो देना ही होता है ना वो स्पेस ले लेते हैं वट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाई द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी केस तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो एड करवा रहे हैं हाँ खुद करवा रहे हैं डायरेक्टली या किसी एडवरटाइजिंग एजेंसी को उन्होंने हायर किया किसके थ्रू राजू कॉन्ट्रैक्टर जिसकी अपनी जगह है तो राजू कॉन्ट्रैक्टर जो एडवरटाइजिंग सर्विसेस दे रहा है समझिए मेरी बात राजू कॉन्ट्रैक्टर जो एडवरटाइजिंग सर्विस दे रहा है डायरेक्टली रिलायंस को दे रहा है या रिलायंस वालों ने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया तो वो इमोल प्रॉपर्टी पे तो है एडवर्टाइजिंग तो वो लोकेशन ऑफ द इमल प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई द होर्डिंग स्ट्रक्चर एक्टेड ऑन लैंड शुड बी कंसिडर एज इमोरल प्रॉपर्टी इमोल स्ट्रक्चर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शेड बी गवर्न बाई सेक्शन ट्वेल्व थ्री ए दैट इज लोकेशन वेयर इमल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड तो कहानी समझ लीजिए रिलायंस वाले डायरेक्टली राजू कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें या एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करें तो उससे दर्द कम हो जाती है राजू कॉन्ट्रैक्टर है स्पेस देता है बिल बोर्ड्स के लिए होर्डिंग के लिए जगह उसकी अपनी है तो उसकी सर्विसेज का प्लेस और सप्लाई क्या माना जाएगा जहां पर उसकी वो इमुल प्रॉपर्टी है जहां रिलायंस रजिस्टर्ड है वो नहीं जहां एडवर्टाइजिंग कंपनी रजिस्टर्ड है वो नहीं जहां उसने वो सर्विस दी है ठीक है और दूसरी बात अगर उसकी अपनी स्पेस नहीं है उसने भी आगे किराए से राजू कॉन्ट्रैक्टर ने या लीज पे उठाई है उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ट्वेल्व थ्री में कवर्ड नहीं होगा फिर उस केस में गाइस ट्वेल्व टू जो आपका रेजिडुअल केस होता है रेजिडुअल केस होता है वहां लागू होगा कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया हाँ तो प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फिर यहां पर वो एड इंडस्ट्रीज का प्लेस माना जाएगा या फिर अगर जिसको दिया वो अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है तो इस केस में बारह दो में क्या लिखा है टू रजिस्टर्ड पर्सन को दो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाता है टू अनरजिस्टर्ड को दो यस yes, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पीओएस वो ही मान लिया जाता है लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया इनमें से जो सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया दो चेंजेस एक बेटा अगर दूसरी स्टेट से कोई बंदा अनरजिस्टर्ड वाला खरीदने आता है माल दिल्ली की खाली बॉली में उसने अपनी स्टेट मेंशन नहीं करवाई तो बेटा खाड़ी बॉली वाले के लिए लोकल सेल मानी जाएगी उसने दिल्ली मेंशन करवाई और एग्जैक्ट एड्रेस नहीं चाहिए पतली गली मोटी गली दिल्ली मेंशन करवाई लोकल सेल मानी जाएगी खाड़ी बॉली के लिए सप्लायर के लिए उसने यूपी बोला तो इंटर स्टेट मानी जाएगी एडवर्टाइजिंग सेक्टर और रिलायंस वाले खुद ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से किसी वेंडर को कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें तो वो कॉन्ट्रैक्टर की अपनी जगह है तो उसका प्लेस और सप्लाई वो जगह ही मानी जाएगी और बाहर से लेकर लिया है जगह वगह तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर के लिए बेंडर के लिए प्लेस और सप्लाई माना जाएगा किसको वो दे रहा है अगर वो रिलायंस को दे रहा है या एडवाइजिंग एजेंसी को दे रहा है वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर द आर इज रजिस्टर्ड अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो उसकी खुद की जगह जहां पर वो रजिस्टर्ड है वही जगह मान ली जाएगी प्लेस और सप्लाई चलो अब आ जाइए एग्जैम्पन्स एग्जैम्शन में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है बट कुछ जो अब हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम अब दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के सेटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं बदले में पैसा तो लेंगे तो उस पैसे पे भी जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष कारपोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस अरे बेटा ये तीनों की जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है जब हम दूसरों को देते हैं वो सर्विसेज तो इंडिया में ही है ना लिटरली सो इस केस में वट एवर इसरो बिल चार्ज अंतरिक्ष कॉरपोरे सिर्फ इसरो से ही इसरो की ही ये कंपनीज हैं जहां पर इसरो का कहीं ना कहीं कंट्रोल है इनके ऊपर और नई नई कंपनी इसलिए भी बनाई जाती है अलग अलग काम के लिए तो इसरो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दे अंतरिक्ष कॉरपोरेशन सारी सरकारी कंपनीज हैं और सरकारी एसोसिएशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी अगर सर्व सर्विसेज देती है सेटेलाइट की तो दैट सर्विसेज विल बी एग्जैम्ड नो जी एस टी अच्छा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू तो गवर्नमेंट अथॉरिटी सरकारी अथॉरिटी को जैसे गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है दे कोई चीज़ उसी प्रकार से वाटर सप्लाई की सर्विस को तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहा है पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कन्वर्सें कन्वरवेंसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन तो लीजिए कोई एजेंसी है और सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये सर्विसेज दे रही है इनके चार्ज पे भी जीएसटी लागू नहीं होगा अब हर जगह जितनी भी एग्जेपन्स हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की वहां पर हमेशा याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को यू नो एफ पे रखा गया है बस तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जब एफ पे है तो याद रखना यहाँ पर बिज़नेस एंटिटी को अच्छा जो सर्विसेज़ एफ पे होती हैं वो चाहे रजिस्टर्ड को दी जाए अनरजिस्टर्ड को दी जाए पाँच हज़ार से नीचे हो क्योंकि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की जो आर की सर्विसेज हैं वो जब टैक्सेबल होती हैं जब वो बिजनेस एंटिटी को दी जाए तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विसेज हैं वो बिजनेस एंटिटी को दी जाए सुन लो मेरी बात या नॉन बिजनेस को दी जाए एफ सी एम की सर्विस तो टैक्सेबल रहेंगी तो यही क्लैरिफिकेशन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है बिजनेस अच्छा पाँच हज़ार तक हो क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज पाँच हज़ार तक एग्जाम होती हैं आर सी एम पे यहाँ पर पाँच हज़ार से ज़्यादा हूँ मतलब नहीं है ठीक है रजिस्टर्ड को दी जाए अनरजिस्टर्ड को दी जाए तीनों जगह ही एफ चलेगा एफ में ये चीज़ें नहीं देखी जाती आर सी एम में एक्सेप्शन है ना तो हर जगह जहाँ पर भी एग्जेम्पन्स हैं वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हटा दिया गया है क्यों क्योंकि हमें पता है वो एफ पे है तो हमने दोबारा से रिपीट क्या करेंगे आर में हमने पढ़ा था अगर बिजनेस एंटिटी को दी जाए तो आर लगता है अगर नॉन बिजनेस को दी जाए आर नहीं लगता बिजनेस एंटिटी को दी जाए लास्ट ईयर उसकी टर्न अनरजिस्टर्ड लेवल वाली है दस बीस चालीस तक ही है यानी कि लास्ट ईयर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसमें भी आर नहीं लगता या पांच हजार तक दी जाए एफ सी लागू नहीं होता लेकिन जब आर है ही नहीं इनके ऊपर इंडियन रेलवेज पे तो ये सारी जो एग्जेमिशन्स हैं ये लागू नहीं होंगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे बात समझ आ गई तो रेलवे की टिकट मान लो बिजनेस एंट्री को दी जाए नॉन बिजनेस एंट्री को दी जाए पाँच हज़ार तक दाए पाँच हज़ार से ऊपर दी जाए रजिस्टर्ड एंट्री दी जाए अनरजिस्टर्ड को दी जाए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एफ सी एम लागू रहेगा तो ये बात पहले भी थी मैंने कहा अब क्लैरिफिकेशन के रूप में यहाँ पर मैंशन की गई चलिए नेक्स्ट बेटा हो गया जी उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं इनवॉइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बेटा ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट्स हैं पहले 500 करोड़ होती थी इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ जी एस टी अब वो घटा घटा के एक आठ दो हजार तेईस से पहले तो दस करोड़ की थी इन वॉयसिंग की लिमिट अब कर दी गई है पांच करोड़ की सो ई इनवाइसिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस हाँ ये ई इनवाइसिंग बी टू बी सप्लाईज के लिए होता है विद एग्रीगेट टर्न ओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सत्रह अठारह ऑनवर्ड्स इज ग्रेटर देन फाइव लिमिट है चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है ई e इनवॉइसिंग क्या एप्लीकेबल होगी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को गाइस ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट बी टू बी सप्लाईज में है आ, वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होती है सेक्शन ट्वेंटी फोर के अंतर्गत सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया गया है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन बी टू बी सेल करता है सप्लाई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पीएससी को गवर्नमेंट एजेंसी को जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 के अंतर्गत फॉर डिडक्टिंग टीडीएस तो उस पर भी उस रजिस्टर्ड पर्सन को ई e इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी इट इज़ क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट्स आर लाइबल फॉर डिडक्शन ऑफ टी अंडर फिफ्टी उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होती है इसलिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी टर्न ओवर एक इन वॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा अगर वो गवर्नमेंट को भी सप्लाई करती हैं तो तो ये बात याद रखना तो ई e इनिंग की बात आपको क्या याद रखनी है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी अब टर्न ओवर पांच करोड़ से ऊपर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ये लिमिट कब से की गई है एक अगस्त उससे पहले जो लिमिट थी मेरे प्यारे बच्चों वो दस करोड़ की थी अगर वो गवर्नमेंट को सप्लाईज uh, करता है इन e वॉयसिंग चाहिए और तीसरी बात uh, आपको याद है uh, कि जब इन्वाइस इशू किया जाता है बाई रजिस्टर्ड सप्लायर और वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही दे रहा है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे तो इन में जो टैक्स इन्वॉइस होता है नाम खरीदार का जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका एड्रेस उसका जीएसटीएन नंबर यूआईएन नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जाए और वो सप्लाई अगर मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड की है तो रिसिप्टेंट का नेम पांच चीजें होती हैं नेम एड्रेस प्लेस ऑफ डिलीवरी स्टेट और पिन कोड लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को दिया जाए बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल है पचास हजार से नीचे तो उस केस में भी पांच चीजें चाहिए जब रजिस्ट बोले ये बिल पे होनी चाहिए तो दोबारा समझाओ सचिन सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इन्वॉइस इशू करे रजिस्टर्ड पर्सन को तो नेम एड्रेस जीएसटीएन नंबर यू आई एन नंबर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसका जीएसटीएन नंबर ये सब होगा नहीं तो पांच चीजें होनी चाहिए अगर मिनिमम पचास का सप्लाई है पचास से नीचे की है तो ये पांच चीजों की आवश्यकता जब ही होगी जब रिसेप्टेंट बोले बिल पे मेंशन करो अच्छा प्रोवाइजो ऑलरेडी इस आ, रूल फोर्टी सिक्स का क्या कहता था कि अगर सप्लाई कर रहा है ईसीओ यस yes, या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस सर्विसेज ओ जैसे क्लाउड सर्विसेज हो गई वो वाली या आपकी कोई मूवी की सर्विसेज हो गई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस सर्विसेज हैं या ईसीओ की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दी जाए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाए पचास से नीचे फिर भी उसमें ये चीजें लिखनी पड़ती थी नेम एड्रेस अनरजिस्टर्ड पर्सन का पिन कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट तो पचास से नीचे तो वॉल्ट्री था लेकिन दो के केस में ये मैंट्री था ई की सर्विसेज की को दी जा रही है या ओ आई डी ए आर सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है अब अमेंडमेंट ये आ गई है कि ओ आई डी ए आर वाले अनरजिस्टर्ड को दें या मेरे प्यारे बच्चों ई सी ओ वाले अनरजिस्टर्ड को दें या ऑनलाइन मनी गेमिंग भी तो थ्री अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है तो उस केस में स्टेट मेंशन कर दो अनस्टर्ड की मोर देन सफिशियंट चाहे वो पचास से नीचे हैं या पचास से ऊपर है तो तीन सर्विसेज कौन ईसीओ प्रोवाइडर्स ओ आई डी ए आर प्रोवाइडर्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पर्सन लेस देन फिफ्टी मोर देन फिफ्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन की स्टेट मेंशन कर दो तो दोबारा रिकैप करो रूल फोर्टी सिक्स में बताया जाता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स एंडवाइस इशू करो तो और जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए साथ में नेम एड्रेस जीएसटीएन नंबर रजिस्टर्ड पर्सन का अनरजिस्टर्ड को दी जाए तो पचास की मिनिमम है तो पांच चीजें पचास से कम ये पांच चीजें वॉल्ट्री है पहले लॉ ये कहता था ई सी सर्विसेज दे रहा है या ओ आई डी ए आर सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड को तो पचास से नीचे भी ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती थी अब ऑनलाइन मनी गेमिंग भी टैक्सेबल हो गया है तो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज हो ओआईडीआर की सर्विसेज हो ई की सर्विसेज हो अनरजिस्टर्ड हो तो जो मैंडेटरी था पांच चीजें अब खाली अनरजिस्टर्ड की स्टेट मेंशन कर दो मोर देन सफिशेंट पचास से नीचे की सर्विस हो या पचास से ऊपर ठीक है चलो नेक्स्ट ये भी हो गया जी तो इसमें बेटा तीन अमेंडमेंट्स देख लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इन वॉइसिंग रिड्यूस फ्रॉम टेन क्रोड्स टू फाइव करोड्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑगस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो बी टू बी कॉन्सेप्ट है वो रजिस्टर्ड होते हैं सेक्शन 51 के अंतर्गत ई वॉयसिंग आपको इशू करना पड़ेगा उनके लिए भी और तीसरा ओ आई डी ए आर ऑनलाइन मनी गेमिंग ई सी ओ अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो स्टेट मेंशन कर दीजिए रिसेप्पन की मोर देन पचास से नीचे पचास से ऊपर बाकी सबके लिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लागू रहेगा चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको सेक्शन 50 याद होगा सेक्शन 50 में 18 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर आप जीएसटी डिले जमा करवाओ या जीएसटी जमा करवाने में डिले हो जाए या रॉन्ग अवेलमेंट एंड क्रेडिट अगर आपने जीएसटी का रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाईजेशन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जहां पर अमेंडमेंट है पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में सेक्शन 50 याद करिए सेक्शन 50 कहता है अगर आप जीएसटी जमा करवाने में डिले करते हैं तो 18 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लगाया जाएगा और अगर रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज है वहां पर भी आपको 18 परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप उस जीएसटी को रिवर्स नहीं करते क्लियर है बात अच्छा जब रॉन्ग अवेल्ड करते हो या उसको एंड यूटिलाइज करते हो रूल एट्टी बी लागू होता है और रूल एटी एट भी क्या कहता है पढ़िए जरा केस वेयर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाईज इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन फिफ्टी थ्री द इंटरेस्ट शेल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज जितना आपने आई टी सी गलत लिया उतने पर लगेगा कहां से लगेगा पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्ग रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस दिन आपने उसको क्लेम किया टिल टिल एंड यूटिलाईज किया टिल द डेट ऑफ रिवर्सल जब तक आप रिवर्स नहीं कर देते बात समझ आई तो अगर आपने रॉन्ग इनपुट टैक्स अवेल्ड एंड यूटिलाईज है तो जिस दिन आपने उसको अवेल और यूटिलाइज किया जहा तक उसको रिवर्स नहीं कर देते लेकिन एक छोटी सी बात रूल एटी एट रखनी है इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल्ड है हम यह मान लेंगे कर लिया बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड लॉजिकली बात समझिएगा इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया देखिए जरा एक 11 2023 मिस्टर वाई के पास टोटल आईटीसी है एक लाख का आउट ऑफ इट चालीस हजार का इज रॉन्गली अवेल्ड एक लाख का आईटीसी है चालीस हजार रॉन्गली अवेल्ड है वाइल फाइलिंग जीएसटी आर थ्री बी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन 15 नवंबर 23 उसने सत्तर हजार यूटिलाइज किया है तो उसके पास बैलेंस अभी तीस है जिसमें एक लाख में चालीस का रॉन्ग क्रेडिट था सात बारह दो को

फॉलिंग शॉर्ट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आई टीसी थाउजेंड इज था सीधी सी बात है दोबारा से लंबी कहानी को छोटा करें अगर आपने जीएसटी का रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड और अवेल किया है जिस दिन आपने अवेल्ड और अवेललाइज किया वहां से लेकर जब तक आप रिवर्स नहीं कर देते आपको उस पर ब्याज लगेगा लेकिन सर हमारे पास तो जीएसटी का जो आई टी सी बैलेंस है जो आप रॉन्ग कह रहे हो उससे ज्यादा अमाउंट पड़ा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा था ही लेकिन अगर आपका आईटीसी बैलेंस कम है और आपने क्लेम ज्यादा किया है तो जो डिफरेंस है उस पर ब्याज लगेगा तो यहां पर देखिए आईटीसी बैलेंस एक लाख का है चालीस हजार रॉन्ग है ठीक है ना और आपने यूटिलाइज कितना किया है सत्तर हजार तो आपके ये मान लीजिए सत्तर में भी तीस तो बैलेंस पड़ा ही है ना गवर्नमेंट के पास तो रॉन्ग यूटिलाइजेशन दस का ही तो माना जाएगा क्योंकि आपके पास जिस दिन आपने यूटिलाइज किया क्रेडिट बैलेंस एक लाख का है रॉन्ग उसमें चालीस है लेकिन आपने सत्तर यूटिलाइज किया तीस तो पड़ा ही है गवर्नमेंट के पास तो रॉन्ग यूटिलाइजेशन चालीस नहीं है दस है तो इसलिए दस हजार ब्याज लगेगा अठारह परसेंट के हिसाब से लगेगा और वो कहां से लगेगा आ, आ, हाँ जिस दिन यूटिलाइज किया उसके लिए भी रूल एटी एट बी में देखो डेट दी हुई है देखना बेटा द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी टेकन टू बी डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निस्ड अंडर सेक्शन थर्टी नाइन और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द सेट एवर इज अर्यर अगर मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन थर्टी नाइन में फाइल करनी थी बाय द नेक्स्ट मंथ ट्वेंटियम्स इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ऑल्सो इनकेस ऑफ परसन इन द्यू आर एम पी स्कीम है ना वैसे तो नॉर्मल बीस तारीख होती है और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द सेट रिटर्न विच अर्लियर अब जरा देखिए तो की कौन सी मानी जाएगी जब उसने सुनो मेरी बात ऊपर वाली जीएसटी या थ्री रिटर्न फाइल करी पंद्रह तारीख को हाँ जब उसने वो अक्टूबर वाला क्रेडिट था ना उसकी रिटर्न नवंबर में फाइल करी बात समझ आ गई तो यहां पर हमें इंटरेस्ट लगाना है मेरे प्यारे बच्चों पंद्रह ग्यारह से जब मानेंगे उसने, उसने यूटिलाइज किया कब तक बेटा हमने माने उसको रिवर्स कर दिया सात सात को तो सात दिसंबर तक ब्याज लगाना है तो दस हजार पे बाईस दिनों का तीन सौ पैंसठ इन टू एटीन परसेंट अब मान लीजिए आपका आईटीसी बैलेंस एक लाख की जगह यहां पर डेढ़ लाख था तो फिर रॉन्ग क्रेडिट में क्या प्रॉब्लम है अगर आपने रॉन्ग ले भी लिया चालीस हजार गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी पड़ा है ना बेटा अस्सी हजार डेढ़ लाख का बैलेंस है सत्तर यूटिलाइज किया अस्सी तो फिर भी पड़ा है तो ब्याज नहीं लगेगा क्लियर है बात अच्छा अब अमेंडमेंट क्या है अब आपका आईटीसी बैलेंस का क्या मतलब है जैसे अगर आपको मेरी बात सुनो जैसे आपको आईजीएसटी जमा करवाना है जैसे आपको आईजीएसटी जमा करवाना है आइए जरा अभी मैं दिखाता अब जैसे आपको आईजीएसटी जमा करवाना है शॉर्ट आपने रॉन्ग आई का क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट बैलेंस किसका देखा जाएगा आई का नहीं बेटा सी का भी और एस का भी ठीक है क्योंकि बैलेंस क्रेडिट का देखना है तो भाई सीजी का क्रेडिट भी तो आईजी से मिलता है एसजी का क्रेडिट भी आईजी से मिलता है तो इसलिए जब रॉन्ग यूटिलाइजेशन आ रहा है आईजीएसटी का तो आईजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस देखना है कंपैरिजन के लिए कितना रॉन्ग यूटिलाईज है सीजीएसटी और एसजीएसटी भी डालना है जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट नहीं देखना है यही बात की गई है तो दोबारा से रिपीट कर दो तो पूरे कॉन्सेप्ट को देखो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सेक्शन 50 के अंतर्गत सेक्शन 50 के अंतर्गत बेटा ब्याज 18 परसेंट है जेनविन डिले के केस में जहां पर आपका डिले हो जाए और 18 परसेंट का ब्याज है रॉन्ग अवेल्ड एंड यूटिलाईज रॉन्ग अवेल्ड अवेल्डलाइज कब माना जाएगा एज पर रूल एट्टी बी बेटे प्यारे बच्चों माना जाएगा जिस दिन डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फंडर थर्टी नाइन और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द सेट रिटर्न इज अर्लियर उस दिन माना जाएगा जिस दिन आपको रिटर्न भरनी थी और आपने भर दी उस दिन यूटिलाइज माना गया है तो यहाँ पर बेटा मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के अंदर आपका आईटीसी था नवंबर के अंदर एक लाख का चालीस हजार रॉन्ग अवेल्ड है और आपने अक्टूबर की जो रिटर्न फाइल करनी है वो पंद्रह नवंबर को फाइल करी है तो आपने रिटर्न फाइल कर पंद्रह नवंबर को तो हमने माना यूटिलाइज पंद्रह नवंबर को किया है आपने ठीक है मेरी बात बात क्लियर है बात? अब आपने जब रिवर्स किया वहां तक ब्याज लगेगा लेकिन जब ये बैलेंस देखा जा रहा है एक लाख वाला ये बैलेंस में हम आई का अगर अनयूटिलाइज अमाउंट है आई का बैलेंस भी डालेंगे सीजी का भी डालेंगे एस का भी डालेंगे तो इस एक लाख में मान लो सीजी एस टी साठ होता तीस हजार हमारा एस जी एस टी होता दस हज़ार आई जी एस टी सबका कंबाइंड अमाउंट कंपेयर करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आपका बैलेंस अनयूटिलाइज अमाउंट से कम है या नहीं क्लियर मेरी बात ये क्लियर चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको याद हो आपको आधार अपना नंबर देना है और अगर आधार नंबर नहीं देते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी फिजिकल वेरिफिकेशन लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या जो एप्लीकेंट है जो रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करना है उसको भी फिजिकली मौजूद होना चाहिए जब गवर्नमेंट के अफसर आके चेक करेंगे कि यहाँ पर जनरली काम होता नहीं होता अब फिजिकल प्रेजेंस यस फिजिकल प्रेजेंस एप्लीकेट एप्लीकेंट की होने की आवश्यकता नहीं है तो याद रखिएगा जो लोग आधार ऑथेंटिकेट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है उनके प्रेमिस की फिजिकल वेरिफिकेशन में फिजिकल प्रेजेंस होने की अब आवश्यकता नहीं है उनका अफसर उनका कोई ऑफिसर हो एप्लीकेंट का उसका कोई मैनेजर हो चलेगा तो प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड ये बात को याद रखना है बस तो फिजिकल वेरिफिकेशन में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड तो ये रूल ट्वेंटी फाइव प्रोवाइज नाइनडेड एंड रूल ट्वेंटी आप पढ़ लीजिएगा अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है जो जब नहीं दे सकते बैंकों को डिटेल्स पैंतालीस दिन में भी दे सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन अब वो टाइम लिमिट घटा के 30 दिन कर दी गई है यस माय डियर फ्रेंड्स और बिफोर यू फर्निश आउटवर्ड रिटर्न अंडर सेक्शन थर्टी सेवन विच इज अर्लियर पढ़िए जरा वाइल्ड फाइलिंग दी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू द डिटेल्स Of his bank account. Bilkul sahi. Rule 10A provides the details of the bank account can be provided soon after obtaining certificate of registration. Baad mein bhi de sakte ho, but not later than 45 days from the grant of registration or due date of return under section 39. GSTR 3B, whichever is earlier. The time limit has now been amended. Under Rule 10A provides registered person except TDS deductor and collector. फ्टर ओपनिंग सर्टिकट ऑफ रजिस्ट्रेशन एन जी एस टी एन इज अलाउड टू फर्निश इनफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन थर्टी डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फर्निशिंग दउटवर्ड रिटर्न अंडर सेक्शन थर्टी सेवन जो आपकी अगले महीने की ग्यारह तारीख तक जाती है इन फॉर्म जीएसटी आर वन और इन वॉइस फॉलिंग फैसिलिटी जो तेरह तारीख तक होती है तो अर्लियर टाइम लिमिट 45 डेज थी नाउ 45 डेज और अर्लियर लेकिन अब कर दी गई है 30 days और 1 और whichever is earlier. अच्छा जी, अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं ऐड करवाई तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा सिस्टम ही ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर एक लाइन डाली है रूल ट्वेंटी वन ए सब रूल टू ए के अंदर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ रूल टेन ए कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ रूल टेन ए तो कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ रूल टेन ए करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा इस बात को याद रखिएगा अच्छा जी अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है किसी कारण नहीं? जिसमें एक टेन ए तो एक पार्ट है बाकी बहुत सारे रीजनस हैं आप रिवोक करवा सकते थे याद करिए जी टाइम लिमिट थी थर्टी डेज में एसीडीसी से अप्रूवल ले लो थर्टी डेज में या जेसी से अप्रूवल ले लो थर्टी डेज में मैक्सिमम डेज के अंदर आप करवा सकते थे है वो मैं आपको बता दूं ये देखिए जी विद इन नाइन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सर्विस ऑफ कैंसिलेशन तो जिस दिन आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उससे नब्बे दिन और 90 दिन को फर्दर 180 दिन आप और एक्सटेंड करवा सकते हो एडिशनल कमिश्नर लेके ले जो पहले थी 30 डेज नॉर्मल टाइम लिमिट वो 30 डेज को तो कर दिया गया 90 डेज उसके बाद एक्सटेंशन थी 30 प्लस 30 जो मैक्सिमम 60 डेज मिलती थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 180 वो था एसीडीसी 30 ज्वाइंट कमिश्नर 30 अब कर दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर और जेसी की अप्रूवल के साथ किसी कारणवश काम में फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ द वर्क और स्पेशली छोटे जो लघु उद्योग हैं उनका बहुत सारा काम होता है इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चिंता ना करें अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो आप पहले तीस प्लस तीस प्लस तीस था तीस ऑर्डनरी तीस एक्स्ट्रा और तीस एक्स्ट्रा और लेकिन अब नॉर्मली हम आपको नब्बे दिन दे रहे हैं उसमें भी नहीं कर पाते तो आप ए और जे सी के अप्रूवल लेकर एक सौ अस्सी दिन और आगे अप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अच्छा अच्छा नेक्स्ट याद करो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ई के माध्यम से अगर आपको याद आ जाए आ, अगर आप सर्विसेज अप्लाई करते हैं ई के माध्यम से सर्विसेज अप्लाई करते हैं तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था हाँ सर याद आ रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं था सेक्शन ट्वेंटी फोर की बात कर रहे हो हाँ जी सेक्शन ट्वेंटी फोर की बात कर रहे हैं जहां पर लिखा था अगर आप गुड्स या सर्विसेज सर्विसेज में तो एग्जेम्पन है यानी कि गुड्स वाले गुड्स वाले ई के माध्यम से अगर सप्लाई करते हैं जहां ECU 52 में टी काटता है वहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था ठीक है ना लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि भाई आपको भी जैसे सर्विसेज वालों को छूट मिलती है आपको भी छूट मिलेगी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अब लॉ में क्या आया है आइए जरा विद इफेक्ट फ्रॉम एक अक्टूबर 2023 पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स थ्रू रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 एंड हैविंग एग्रीगेट टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग द्रेश होल्ड लिमिट गुड्स की थ्रेश होल्ड लिमिट दस बी है बीस भी है चालीस की है सेक्शन ट्वेंटी फोर मेंजिस्ट्रेशन था गुड्स सप्लायर का जो ई सी ओ से गुड्स देते थे सर्विस वालों को छूट मिलती थी यस yes, दस और बीस लाख अब गुड्स वालों को भी छूट देती गई है क्योंकि यार बहुत स्मॉल स्केल सेक्टर है जो फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू गुड्स बेचते हैं बेचारों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता था बोलते हमने क्या गुनाह कर दिया ई के माध्यम से बेचने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दुकान में बेचते तो आप हमें दस बीस चालीस की लिमिट देते तो दस बीस चालीस की लिमिट देना कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया क्या या बहुत बड़ा लग्जरी हो गया हमारे लिए तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तो छोटे छो, 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 विक्रेता हैं अगर वो अपने यानो नो दस बीस चालीस तक की लिमिट है ई के माध्यम से गुड्स दे भी रहे हैं उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा

ये बात याद रखना चाहिए इनकम टैक्स वाला एंड पर्सन ऑनलाइन पोर्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पर भी आपको ये, लेना है बेनिफिट वो बताना पड़ेगा एंड सच पर्सन शैल बी ग्रांटेड एंड एनरोलमेंट नंबर कॉमन पोर्टल पर जीएसटी के पोर्टल पे आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और आपको एक एनरोलमेंट नंबर से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा एक स्टेट में सच पर्सन शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन स्टेट तो एक स्टेट में एक एनरोलमेंट नंबर एंड नो सप्लाई ऑफ गुड शेल बी मेड बाय सच सच पर्सन पर्सन थ्रू अनलेस हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर तो जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा ईसीओ की सप्लाई कमेंस नहीं कर सकते एंड वेयर सच पर्सन सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन पच्चीस इन अब अब नॉर्मल रजिस्टर्ड हो गए तो एनरोलमेंट नंबर खत्म हो जाएगा और फिर बेटा ईसीओ के ऊपर भी कंप्लायसेस आ गई हैं कि आपको भी मेंशन आपको भी ये ध्यान देना है ऐसे लोग क्योंकि सप्लाई इंटर स्टेट में ना करें तो मेरे लिए भी एज अ स्मॉल लघु सप्लायर थ्रू ईसीओ ये रिक्वायरमेंट्स है ईसीओ को क्या देखना है ईसीओ शेल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बट द सेट पर्सन ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर एज बिन अलॉटेड तो एनरोलमेंट नंबर वो देंगे उसके बाद ही कमेंट करना उनका काम ईसीओ ईसी नॉट अलाउ इंटर इंटरसेट सप्लाई गुड्स बाय द सेट पर्सन उस पर्सन की इंटरसेट सप्लाई आप नहीं करेंगे बिल्कुल सही तीसरी बात ईसी नॉट कलेक्ट टीडीएस इन रिस्पेक्ट क्योंकि वो अनस्टर्ड ही है तो टीसीएस टीसीएस पहले तो क्या था बेचारा मैंडेटेड रजिस्टर्ड हो जाता था उसका टीसीएस भी कटता था बात है टीसीएस नहीं डिडक्ट करेगी द डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू इट सेट पर्सन इन द स्टेट जीएसटी है उसमें ईसीओ मेंशन करेगी इतने अनरजिस्टर्ड पर्सन इनकी सप्लाईज ये हैं तो गवर्नमेंट अपने आप पकड़ लेगी उनको एंड मल्टीपल और सिंगल सप्लाई ईसी प्लेटफॉर्म ई सी ओ शेल मीन हु रिलीज इज द पेमेंट तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज उसको करनी है जो लास्ट ई सी ओ है जो पेमेंट रिलीज करती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो गई जी बात क्लियर तो मोटा मोटा बात समझ लो अभी तक मैंडेटेड रजिस्ट्रेशन था गुड्स वालों का जो ई सी ओ के माध्यम से अप्लाई करते हैं अब वो मैंडेटेड रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको दस बीस चालीस की लिमिट मिलेगी कुछ कंप्राइज उनको भी करनी है कुछ अच्छा जी, की बात करें। में आपको याद हो गुड्स और टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते एनआरटीपी नहीं हो सकते लेकिन एक दस दो हजार तेईस से अलाउ कर दिया गया है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को गुड्स करना थ्रूसी अगर वो गुड्स क्योंकि लघु उद्योग को पहले बेनिफिट दिया कि वो खुद अगर यू नो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर होते हैं तो ईसीओ के माध्यम से भी सप्लाई कर सकते हैं अगर वो कॉम्पोजिशन में भी हैं ई के माध्यम से गुड सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज नहीं दे सकते तो कॉम्पोजिशन वाले रेस्टोरेंट वाले अगर कोई कॉम्पोजिशन में आ जाता है वो स्विगी जोमैटो पे नहीं आ सकता कॉम्पोजिशन वाला रेस्टोरेंट स्विगी जोमैटो पे नहीं आ सकता हाँ कॉम्पोजिशन वाला गुड सप्लायर फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू गुड्स आप बेचना अलाउ कर दिया गया फिर वही प्रोसीजर उसी टाइप का प्रोसीजर है जो प्रोसीजर्स वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए उनको तो मुक्त करने के लिए किया गया था आप ये पढ़ सकते हैं ठीक है हो गया जी बात खत्म चलिए बढ़ते हैं टीडीएस कटता है 51 में टीसीएस कलेक्ट होता है 52 में जो जो ईसीओ चलिए जी आगे बढ़ते हैं टीसीएस की बात थी सेक्शन 52 में अब तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ सर्विस तो पहले भी टी के माध्यम से ई के माध्यम से सर्विस दे सकते थे अब तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स भी दे सकते हैं तो ऑब्वियसली उनकी सप्लाईज पे टीसीएस होगा ही नहीं तो उनको टीसीएस की डिटेल भेजने की आवश्यकता भी नहीं है बाय द सी ओ ई सी के माध्यम से जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनका टीसीएस कटेगा भी और उनको इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगी ये लिखा है जी

एक गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है वहां पर टी क्या होगा अरे नॉर्मली फ़्लिपकार्ट मॉडल जो होता है बाय सेलर एक ही ई में रजिस्टर्ड होते हैं जैसे हमें फ़्लिपकार्ट से अमेज़न से कुछ चीज़ें लेनी है तो हम अमेजन ई सी ओ फ्लिपकार्ट ई सी पर रजिस्टर कर लेते हैं और जो सप्लायर है वो भी वहां रजिस्टर करवाता है अब सुनिए मेरी बात इसी तरीके से स्विगी जोमेटो में भी रेस्टोरेंट वाले भी रजिस्टर्ड हैं हम भी रजिस्टर्ड हैं लेकिन ओ एंड ई थोड़ा सा ओपन नेटवर्क है यहाँ पर क्या होता है जैसे हमें बायर तो हम एक ई सी यहां पर इन्वॉल्व होगा और एक होगा सप्लायर उसका ई अलग होगा सो दैट मोनोपली ना क्रिएट हो जाए क्या होते एक ही ई में दोनों लोग आ जाए ना बाय सेलर तो दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अब ये आपस में डील करते हैं तो बायर रजिस्टर्ड होता है अलग ई में और सप्लायर रजिस्टर्ड होता है अलग ई में बायर अपनी पेमेंट दे देगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छा अब बायर पेमेंट दे देगा इस ई को फिर ये वाला ईसीओ अपने कुछ कमीशन काट के पेमेंट कर देगा इसको और फिर ये पेमेंट कर देगा सप्लायर को ऐसे चेन चलती है समझ गए मेरी बात अगर हम चेन को ऐसे चलाएं पेमेंट की चेन तो ऐसे चलेगी पेमेंट की चेन तो ऐसे चलेगी अगर हम इसमें पेमेंट की चेन चलाएं मैं एरोस को ढंग से बनाता हूं आपको समझाने के लिए चेन कैसे चलेगी देखो जी चप्पा चप्पा चरका चले बायर ने यहाँ पर अपना ऑर्डर डाला है ना और पेमेंट भी कर दी फिर यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंची और इन्होंने इनको इन्फॉर्म किया पेमेंट की चेन और सप्लाई की चेन ऐसे चलती है इस अब मुद्दा यहां पर है टीसीएस करेगा सेक्शन 52 का वो तो ईसी दोनों है और बीच में एक आधा ईसीओ और आ जाए तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा दोनों ईसीओ माने जाएंगे बायर साइड ईसीओ भी और सप्लायर साइड ईसीओ भी दोनों ईसीओ माने जाएंगे दोनों ही काबिल हैं। फिर दोनों में से कौन है आओ जी पहली बात कहते हैं कि सिचुएशन मल्टीपल ईसीवाल्व ठीक है सचिन सर सिंगल uh, ट्रांजेक्शन है सप्लायर साइड ईसीओ हिमसेल्फ इज नॉट सप्लाइंग द सेट सप्लाई अब ये जो सप्लायर साइड ईसीओ है ना ये वाला जो ई है सप्लायर साइड वाला इसकी खुद की सप्लाई नहीं है इसने आगे दूसरे सप्लायर से लिया है ठीक है ना इस केस में यहां पर टीसीएस ये डिडक्ट करेगा जब वो पेमेंट सप्लायर को देगा बात समझो वेन टू इंस्टोर्स इन्वॉल्व मोटा मोटा बायर ने पेमेंट ईसीओ को दी बायर साइड ईसीओ बायर साइड ईसीओ सी ये सप्लायर साइड ईसीओ सी ये सप्लायर साइड ईसीओ बायर ने पेमेंट दे दी बायर साइड ईसीओ को एक प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म ने पेमेंट दे दी सप्लायर साइड ईसीओ को उसने आगे करनी है तो यहां टी इनको काटना है यहां पर टीसीएस बेटा सप्लायर साइड ई को काटना है लेकिन अगर सप्लाई दूसरे केस में कह रहे हैं सप्लाई सप्लायर ई की खुद की है वो जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है है ना मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू माल बेच रहा हूं तो सप्लाई तो मेरी हो गई मल्टीपल ईसीड है ना वहां पर अच्छा तो सारे सप्लायर्स जिनकी अपनी अपनी वेबसाइट है वो भी रजिस्टर करवा दें सप्लाई साइड में तो दूसरे केस में क्या कह रही है अगर मल्टीपल ईसी ट्रांजेक्शन सप्लायर साइड ई सीओ इज हिमसेल सप्लाइंग सेट सप्लाई अब वो खुद ही सप्लाई करेगा उसको किसी सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है जैसे क्रोमा की वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड है सप्लाई साइड ईसीओ में तो टाटा वालों की खुद की है वो खुद ही अपने ए भेज देंगे आपको इस, इसके माध्यम से इस केस में बायर साइड ईसीएस कॉलेक्ट करेगा क्योंकि पेमेंट जब वो रिलीज करेंगे उनको आगे तो किसी को देनी नहीं पेमेंट बात समझो ना सप्लायर साइड को आगे अगर सप्लायर को पेमेंट देनी है तो सप्लायर साइड को टीसीएस डिडक्ट करना है अब उन्हें खुद की सप्लाई है तो बायर साइड का इश्यू यहां पर टीसीएस डिडक्ट करेगा क्लियर है बात तो दोबारा से बोलते मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व है और सप्लायर की खुद की सप्लाई है तो बेटा बायर साइड का इश्यू इसे रेट करेगा और अगर जो सप्लायर साइड इश्यू है वो किसी और से सप्लाई ले रहा है तो वो टी से डिडक्ट करेगा ये मैंने आपको समझा दिया आइए जी लास्ट है जी एक रूल है जी हमारा 88 डी जो नया डाला गया है पढ़ना जरा वेयर द अमाउंट ऑफ आई टी सी अवेल्ड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड फर्निश्ड बाई एम जी एस बिल्कुल सही हम आई लेते हैं थ्री फाइल करके एक्सीड द आई टी सी अवेलेबल जो हमें इंटीमेशन आई थी टू बी के अंदर वो ज्यादा है बिल्कुल सही बिल्कुल सही वो ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा पढ़िए जरा बाय स्पेसिफाइड अमाउंट एंड परसेंटेज वो एक लिमिटेड एक अमाउंट से ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट की शयशीलता से ज्यादा द सेट रजिस्टर्ड परिवन एंड इंटीमेशन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ऑन द कॉमन पोर्टल एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शेल ऑल्सो भी सेंड टू हिस्स ई मेल आई डी प्रोवाइडेट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एमेंडी टाइम टू टाइम और उसमें डिफरेंस बताया जाएगा और बोला जाएगा कि आप अमाउंट इक्वल टू द आई टी सी अवेल जो आपने आई टी सी लिया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन फिफ्टी वो देना है आपको और रीजन आपको बताना पड़ेगा सात दिनों के अंदर अंदर कि आपने ऐसा क्यों किया सर डिजिस्टर्ड पर्सन अपॉन रिसेप्ट ऑफ द सेट इंटीमेशन आई दर पे एंड अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस आई टी सी जो डिफरेंस आप पे कर दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट बात खत्म हो गई या अपना रिप्लाई दो कि भाई मेरे हिसाब से तो नहीं बनता सात दिनों के अंदर अंदर ठीक है वे अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रिमेन्स टू बी अनपेड विद इन सेवन डेज पीरियड एंड नो एक्सप्लेनेशन आपने आंसर भी नहीं दिया ना पैसे दिए तो बेटा आप आगे से अपनी और फिर सेवेंटी फोर की जो रिकवरी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और आगे से आप अपनी रिटर्न यस मेरे प्यारे बच्चों फाइल नहीं कर पाओगे रिटर्न इन जीएसटी आर वन आपकी जीएसटी ब्लॉक कर देंगे सो so, क्या लिखा है पढ़िए जरा आप अजिस्टर्ड पर्सन टू हूम इंटीमेशन हैज बीन इश्यूड कॉमन पोर्टल अंडर द प्रोवाइजो ऑफ रूल दूल एन रिस्पेक्ट नॉट बी अलाउड टू फाइलिंग फैसिलिटी फॉर सब्सिकुन टैक्स पीरियड अनलेस वो डिफरेंस पे कर दे बात खत्म यस एंड रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो टेने की जो वो बैंक अकाउंट के डिटेल्स नहीं कर सकते फाइल तो उनको भी आगे से जीएसटीआर वन और आईएफएफ फाइलिंग की फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है तो 88 डी को फॉलो नहीं करोगे आपकी फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग फैसिलिटी जीएसटीआर 1 की ब्लॉक हो जाएगी चलिए गाइस नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स व्हिच वी हैव डन टुडे सबसे पहली बात एक्शनेबल चलो जी अब रिवाइज करते हैं सारी अमेंडमेंट इन पांच मिनट एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स बट एक्शनेबल क्लेम तीन ही माने जाते थे एज सप्लाई लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग तीन और डाल दिए गए हैं कैसीनोस हॉर्स रेस ऑनलाइन मनी गेम्स इनके सप्लायर्स पे एफ लगेगा ये बात मानी गई है सप्लाई की डेफिनेशन में डाला गया है और रिसिप्ट बेसिस भी लागू रहेगा सेक्शन ट्वेल्थ के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई नोटिफिकेशन 66 2017 कंपोजिशन में तो एप्लीकेबल थी नहीं इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी तो इनके लिए फिर वो नॉर्मल केस लगेगा कि अगर आपने लास्ट डेट तक इन्वायस इशू कर दिया तो इन्वाइस की डेट और पेमेंट की डेट और लास्ट डेट तक इन्वाइस इशू नहीं किया तो आपके लिए बेटा वो जो लास्ट डेट थी वो और मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट के पीछे भी झड़ दिया रेस्टोरेंट में खाना खाओ और मज़े लो बेटा वो खाना ही माना जाएगा ड्रिंक्स एंड फूड विल बी डी टेस रेस्टोरेंट सर्विस अनलेस बंडल्ड सप्लाई है जिस केस में रेस्टोरेंट माना जाएगा शेयर्स हेल्ड बाय द द होल्डिंग दे दे होल्डिंग सब्सिडी कंपनी नॉट सर्विस नो जीएसटी विल अप्लाई ऑन ओनली शेयर्स और कुछ करते हैं तो बात अलग चार्ज के अंदर आरसीएम के अंदर बेटा पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टर दे आरसीएम लागू नहीं रहेगा और मुन्ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लागू रहेगा और कोई एग्जेमशन जो आरसीएम वाली है वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे और बेटा ओमनी बस को अलग करके अगर कंपनी सप्लायर है तो एफ सी एम अगर कोई नॉन कंपनी सप्लायर है बस का थ्रू थ्रू ई सी ओ जैसे मेरे पास चार बसें हैं मैं ई सी ओ पे चलाऊं तो केस केस में आर सी एम ही रहेगा ई सी ओ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट से आए काउंटर पर खित के चला जाए तो वो जो स्टेट बोलेगा उसकी सप्लाई मानेंगे नहीं बोलेगा तो लोकली मानेंगे और अगर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं और वेंडर की खुद की जगह है तो इमल प्रॉपर्टी जहां पर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई वेंडर की खुद की जगह नहीं है तो फिर ट्वेल्थ टू जहां पर जिसको सर्विसेज हम दे रहे हैं उसका रजिस्टर्ड प्लेस अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरा ही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी अच्छा बच्चे उसके बाद एग्जैमशन सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय थ्री एंटिटीज एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सरकारी अथॉरिटी को ये साफ़ सफाई और ये सब पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज दें एग्जाम और रेलवेज पे आरसीएम होता ही नहीं है तो आरसीएम की छूट भी लागू क्यों होंगी उसके बाद बेटा ई e इनवॉइसिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट दस करोड़ से पाँच करोड़ कर दी गई है दूसरी बात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अगर आप इशू करते हो और जो रजिस्टर्ड है सेक्शन फिफ्टी वन में तो ई e इनवॉइसिंग लागू रहेगा और तीसरी बात बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सनस पे जब आप सप्लाई करते हो पचास से नीचे तो वॉलेंट्री होता है बट अगर वो ओ सप्लाई करे या ई सी ओ सप्लाई कर रजिस्टर्ड को तो कुछ फॉर्मेलिटीज मैंडेटरी थी अब कह दिया गया खाली स्टेट मेंशन कर दें तीन लोग ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दें सर्विसेज ओ आई डी आर देरिस्टर्ड को या ई सी ओ देरजिस्टर्ड को स्टेट मेंशन कर दो रेस्टिपेंट की मोर देन आप चाहे पचास से नीचे पचास से ऊपर हो उसके बाद बेटा जीएसटी की पेमेंट करने के लिए अठारह परसेंट आपका लेट पेमेंट का ब्याज है और उसके अंदर जो रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज है उसमें ये देखते हैं कि आपका जो यूटिलाईज अमाउंट है वो आईटीसी के बैलेंस से जी ज्यादा तो नहीं है अगर वो आईटीसी के बैलेंस से ज्यादा है तो बच डिफरेंस आपको दे आईटीसी का बैलेंस क्या मतलब अगर आपने आईजीएसटी का रॉन्ग क्रेडिट यूटिलाइज और और अवेल uh, किया है तो सबका बैलेंस देखा जाएगा क्योंकि वो सब आईजीएसटी से यूज हो सकते हैं जीएसटी नहीं इंक्लूड करेंगे रजिस्ट्रेशन में फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है एप्लीकेंट की अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है प्रेमिस की और बेटा बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप 45 45 दिन पहले टाइम लिमिट थी अब तीस दिन में या जी एस टी आर वन या आई एफ एफ की जो डेट है विच एवर इज अर्लियर तक आप दे सकते हो हाँ अगर आपने बैंक अकाउंट दिया तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन अच्छा आ, आपका सस्पेंड हो जाएगा ऑब्वियसली सिस्टम बे सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली अगर आप बैंकों की डिटेल देते तो ऑटोमेटिकली रिवोक भी हो जाएगा यह बात याद रखनी है अच्छा उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहले तीस प्लस तीस प्लस तीस था एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी अगर आपको लग रहा है गलत तरीके से रिवोक किया गया अब कर दिया नाइनटी प्लस वन एट्टी डेज उसके बाद बेटा अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स कैन सप्लाई गुड्स थ्रू अंडर सेक्शन फिफ्टी टू जो कलेक्ट करते हैं टी सी एस पहले अलाउड नहीं था कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी जब तक 10 बी 40 तक एंजॉय करो कंपोजीशन पर्सन भी आप ईसीओ के माध्यम से गुड सप्लाई कर सकते हैं जब तक वो रजिस्टर्ड जब तक वो कंपोजीशन में है अच्छा जी टीसीएस की डिटेल्स ईसीओ खाली रजिस्टर्ड को सप्लाई करेगा डिटेल्स देगा क्योंकि ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड वाले पे तो टीसीएस होता ही नहीं और मल्टीपल ईसीओस इन्वॉल्वड हैं बायर्स साइड ईसीओ सप्लायर साइड ईसीओ सप्लायर खुद ही सप्लाई कर रहा है तो बायोसाइड साइड यू सी कलेक्ट करेगा सप्लाई किसी और से सप्लाई ले रहा है तो वहाँ पर वो डिडक्ट करेगा टी या कलेक्ट करेगा टी और अगर 88 एट डी की मर्यादा नहीं रखी तो ऑब्वियसली हम आपको डी बार कर देंगे सेल्स रिटर्न या सप्लायर के रिटर्न जो जी एस टी बने और आई एफ एफ है उसके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस टेक केयर एंड एंजॉय योर डे